आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा। एक दिव्य और चमत्कारी दिन, शिव कृपा का महापर्व शिवरात्रि। वैसे तो शिव का नाम जब भी लें तभी भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं, लेकिन शिवरात्रि का पर्व शिव उपासना के लिए सबसे उत्तम दिन माना गया है। शिव और शक्ति की भक्ति करने से धन संपदा, रोजगार, निरोगी काया और उत्तम संतान का वरदान मिलता है। कहते हैं शिवरात्रि के दिन भगवान शिव को प्रसन्न करना बेहद आसान है। यदि इस दिन विधि विधान से शिव का पूजन किया जाए तो सभी मनोकामनाओं की पूर्ति आसानी से हो सकती है। हम आपको बताएंगे शिव की महाकृपा पाने का महा उपाय, लेकिन सबसे पहले जानते हैं शिवरात्रि की महिमा और शिव पूजन की उत्तम विधि। शिवरात्रि पर प्रसन्न होंगे भगवान, मिलेगा सुख समृद्धि का वरदान। वो देवों के देव महादेव हैं, वो भोले हैं, वो जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। वो ब्रह्मांड के कण कण में विद्यमान है, वही आदि है, वही अनंत है। शिव शंकर अविनाशी हैं, वो निराकार हैं। शिव में पूरी सृष्टि समाई है, क्या राजा क्या रंक। जिसको भी भगवान भोलेनाथ की कृपा मिल जाए उसे संसार की ना तो कोई बाधा रोक सकती है और ना ही जीवन में कोई परेशानी छू सकती है। आज सावन की शिवरात्रि है और ये दिन बेहद खास है क्योंकि भगवान शिव को सावन और शिवरात्रि दोनों बेहद प्रिय हैं। इसलिए आज के दिन की गई शिव उपासना शीघ्र फलीभूत होती है। शिवरात्रि प्रत्येक महीने के चतुर्दशी, कृष्ण चतुर्दशी तिथि को शिवरात्रि मनाई जाती है। शिवरात्रि का मुख्य यह है कि फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी तिथि के दिन रात्रि काल में भगवान शिव लिंग रूप में प्रकट हुए थे। ये ईशान संहिता के अनुसार कथा आती है। शिवरात्रि का व्रत करने से, उस दिन भगवान शिव की पूजन करने से भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं और भक्तों को उनके मनचाहा वरदान प्राप्त करते हैं, प्रदान करते हैं। मान्यता है कि सावन की शिवरात्रि पर अगर भगवान शिव का ध्यान, पूजन, विधि विधान से करें तो हर मुसीबत पर विजय हासिल की जा सकती है। शिवरात्रि हिंदू परंपरा का एक बहुत बड़ा पर्व है। सामान्यतः इसे चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। माना जाता है इस दिन शिव जी का प्राकट्य हुआ था। इसके अलावा शिव जी का विवाह भी इस दिन माना जाता है। इस दिन महादेव की उपासना से व्यक्ति को जीवन में संपूर्ण सुख प्राप्त हो सकता है। इस दिन व्रत, उपवास, मंत्र जाप और रात्रि जागरण का विशेष महत्व है। महीने की हर चतुर्दशी को मास शिवरात्रि आती है, पर सावन का महीना शिवजी का महीना है, इसीलिए सावन की शिवरात्रि का विशेष महत्व हो जाता है। इस दिन लोग कांवड़ में जल भरकर शिवलिंग पर अर्पित करते हैं। धरती पर शिवलिंग को शिव का साक्षात स्वरूप माना जाता है, तभी तो शिवलिंग के दर्शन को स्वयं महादेव का दर्शन माना जाता है। और इसी मान्यता के चलते भक्त शिवलिंग की पूजा अर्चना करते हैं। यूं तो भोले भंडारी एक छोटी सी पूजा से हो जाते हैं प्रसन्न, लेकिन शिव आराधना की सबसे महत्वपूर्ण पूजा विधि रुद्राभिषेक को माना जाता है, क्योंकि मान्यता है कि जल की धारा भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और इसी से हुई है रुद्राभिषेक की उत्पत्ति। रुद्र यानी भगवान शिव और अभिषेक का अर्थ होता है स्नान करना। शुद्ध जल या फिर गंगा जल से महादेव के अभिषेक की विधि सदियों पुरानी है।
जब जल के स्पर्श मात्र से हो जाते हैं प्रसन्न भोले भंडारी। तो चलिए आपको बताते हैं कि शिवरात्रि पर कैसे करनी है आपको भगवान शिव की पूजा। शिवरात्रि का व्रत जिस दिन अर्धरात्रि में चतुर्दशी तिथि व्याप्त हो उस दिन भगवान का शिवरात्रि व्रत करें। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्र बिल्व पत्र चढ़ा करके, शमी पत्र चढ़ा करके और पुष्प जल इत्यादि चढ़ा करके भगवान को अर्पण करें। विशेषकर भगवान का जलाभिषेक करें, रुद्र का रुद्राभिषेक करें, दूध से करें। किसी कामना की पूर्ति के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए अगर हम करते हैं तो भगवान को दूध चढ़ा करके और अभिषेक करें, दूध से अभिषेक करें और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का निरंतर जप करते रहें। रूप जिस कामना से आप व्रत को करते हैं वह कामना भगवान शिव अवश्य ही आपको प्रदान करते हैं। स्नान करके शिव पूजा का संकल्प लें, शिव जी को जल अर्पित करें, इसके बाद पंचोपचार पूजन करके शिव जी के मंत्रों का जाप करें। रात्रि में शिव मंत्रों के अलावा रुद्राष्टक या शिव स्तुति का पाठ भी कर सकते हैं। अगर चार पहर पूजन करते हैं तो पहले पहर में दूध, दूसरे में दही, तीसरे में घी और चौथे में शहद से पूजन करें। हर पहर में जल का प्रयोग जरूर करना चाहिए। शिव की उपासना इंसान के जीवन की हर मनोकामना पूरी कर देती है। तो अगर आप भी चाहते हैं धन, संतान या फिर भोलेनाथ से विवाह का वरदान, या फिर पूरा करना चाहते हैं कोई और मनोकामना, तो आप हमारे साथ बने रहिए। आगे हम आपको सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के दिव्य उपाय बताएंगे। महादेव की कृपा जिसको मिल जाए भला उसे किसी चीज की जरूरत ही क्या है। आज सावन की शिवरात्रि है और कहते हैं कि जिसने भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया उसके लिए सब कुछ संभव है। इसलिए महादेव के महापर्व पर आप विधि विधान से शिव शक्ति की पूजा कीजिए। शिवरात्रि पर महादेव की विशेष कृपा आखिर मिले कैसे, हम आपको यही बता रहे हैं। तो चलिए आपको बताते हैं वो दिव्य उपाय जिसके प्रभाव से आपकी हर परेशानी दूर हो जाएगी। सावन की शिवरात्रि पर पूरा देश शिव भक्ति के रंग में रंग गया। सावन का महीना और शिवरात्रि का शुभ दिन, भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए इससे अद्भुत संयोग हो ही नहीं सकता। शिवरात्रि पर हर समस्या का समाधान संभव है, क्योंकि आज सबसे प्रसन्न मुद्रा में होते हैं भोलेनाथ। सरल उपासना भी महाकाल की कृपा दिला सकती है, क्योंकि सावन की शिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों के बीच रहते हैं और उनकी हर मनोकामना पूरी कर देते हैं। भगवान का स्नान पूजन विधिवत करने के पश्चात त्रिपुंड भस्म लगा करके रुद्राक्ष की माला ग्रहण करके और भगवान का विधिवत पूजन करें। पूजन के बाद अगर किसी कामना के साथ अगर हम भगवान का यह व्रत कर रहे हैं तो निरंतर मंत्रों का जप करते रहें, जैसे ओम नमः शिवाय, ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम जुंग शह पालय पालय सहजुं ओम, इस मंत्र का जप करें। शिव की पूजन करने से भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं और भक्तों को उनके मनचाहा वरदान प्राप्त करते हैं, प्रदान करते हैं। अनेक पदार्थों से पूजन करने पर भगवान शिव शंकर से समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति की जा सकती है। विशेषतः रात्रिकालीन के समय भगवान को गन्ने के रस से, विजया के रस से, मधुर रस से, घृत रस से तथा शुद्ध गाय के दूध से अभिषेक पूजन करने पर भी समस्त मनोकामनाओं को पूरा किया जाता है।
बाबा भोलेनाथ से कुछ भी छिपा नहीं। जब आप अपनी प्रार्थना स्वयं करते हैं तो शिव भी आपके दुख हरने लगते हैं। तभी तो शिवरात्रि के दिन किए गए पूजा अनुष्ठान को सबसे चमत्कारी माना गया है। तो देखिए खास उपाय आपकी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। शिव तो जलधारा प्रिय शिवा, भगवान शिव को जलधारा अत्यंत प्रिय है, तो शिव को जलार्पण करते हुए दुग्धाभिषेक, जलाभिषेक, समंत्रक, अमंत्रक भी कर सकते हैं। इसमें रुद्राक्ष की माला और भस्म का त्रिपुंड और बिल्वपत्र तो अनिवार्य रूप से अर्पण करना चाहिए। भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, बिल्वपत्र भगवान को जरूर अर्पण करें और गंगा जल चढ़ावे, जिससे सबका मनोरथ सिद्ध होगा। भगवान शंकर को शिवरात्रि के दिन केवल ओम नमः शिवाय शिव पंचाक्षरी मंत्र का जाप करके भी सहजता से प्रसन्न किया जाता है। अगर व्यक्ति संपूर्ण चारों प्रहर की पूजा करना चाहे तो भगवान को प्रथम प्रहर में दूध अथवा दूध मिश्री युक्त जल से अभिषेक करने से संतान संबंधित समस्याओं का निवारण एवं प्राप्ति की जा सकती है। धन की प्राप्ति के लिए दूध, दही, शहद, शक्कर और घी से भगवान शिव का अभिषेक करें। इसके बाद जलधारा अर्पित करें, फिर धन प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। संतान प्राप्ति के लिए शिवलिंग पर घी अर्पित करें, फिर जल की धारा अर्पित करें, संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। शीघ्र विवाह के लिए शिवलिंग पर 108 बेलपत्र अर्पित करें, हर बेलपत्र के साथ नमः शिवाय कहें, शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें। जिसने भोलेनाथ को मना लिया उसे संसार में फिर किसी चीज की कमी नहीं रहती और ना ही जीवन में कोई बाधा परेशान कर सकती है। तो सावन के इस शिवरात्रि पर देवाधिदेव महादेव को मना लीजिए, आप भी बम बम भूले बोलिए और संसार की तमाम चिंताओं से मुक्त हो जाइए। महाशिवरात्रि से जुड़े महा उपाय हम आपको आगे बताने वाले हैं, बने रहिए। तो चलिए प्रार्थना हो स्वीकार में आज के लिए फिलहाल इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिएगा जीएनटी।